फिर से स्वागत है मेरे चैनल रोबस्ट बाजार पे आपका। आज जिस स्टॉक को आप कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, उसका नाम है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड। अब ये कंपनी फ्लोरो केमिकल की फील्ड में काफ़ी दिग्गज कंपनी है और इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब फ्लोरो पॉलीमर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट वायर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड पोटेंशियल फायर्स। फ्लोरो पॉलीमर्स हैव अनमैच्ड केमिकल एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस विच इज़ वाई दे आर यूज इन प्रोडक्ट लाइक कार्स एंड प्लेन्स। अब ये फ्लोरो पॉलीमर होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, तो एक तरीके का ये कोटिंग होती है, किसी भी चीज़ में कोटिंग की जाती है जिससे ये ओवर हीटिंग और फायर से बचाता है। और फ्लोरो पॉलीमर्स काफ़ी जगह यूज़ होता है, काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है और काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में ये भी यूज़ होता है। ये एक तरीके का केमिकल होता है और उसमें एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस करने की काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होती है, जिससे कार्स प्लेन्स काफ़ी जगह इसका उपयोग होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, फार्मेसी सेक्टर में भी। अब फ्लोरो पॉलीमर्स ये किस किस सेक्टर में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं। ड्यू टू देयर स्पेशल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ्लोरो पॉलीमर्स आर वाइडली अप्लाइड इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग और मिलिट्री लाइन में भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसका उपयोग होता है और फ्लोरो पॉलीमर्स के बिना काम नहीं हो सकता। तो फ्लोरो पॉलीमर्स की काफ़ी उपयोगिता इंडिया में भी है और बाहर भी है। बात की जाए कि फ्लोरो पॉलीमर्स कौन कौन सी कंपनी बनाती है इंडिया में, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड का, उसके बाद डाउ ड्यू पॉइंट का और हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स का। तो हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स तो फ़िलहाल अभी 12 रुपये पर ट्रेड कर रही है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ये गुजरात फ्लोरो केमिकल्स एक मेजर कंपनी है इंडिया की जो मैन्युफैक्चर करती है फ्लोरो पॉलीमर्स का। वाइल द मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर द कैमोर्स कंपनी, यूएस की कंपनी है, डाइकन जापान की आपने सुनी होगी, और 3M यूएस की कंपनी है, सॉल्वे बेल्जियम की कंपनी है, असासी ग्लास कंपनी जापान की है और डोंगिव ग्रुप कंपनी लिमिटेड। तो ये काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनी है जो बाहर काम करती हैं। हमारे जो हिंदुस्तान की जो कंपनी है वो है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स और हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन्स। ये दो कंपनी हैं जो फ्लोरो पॉलीमर्स में काम करने वाली एक लौती कंपनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानने के लिए कि फ्लोरो पॉलीमर आगे इसका डिमांड कितना हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, फ्लोरो पॉलीमर मार्केट डिमांड स्टूड एट 0.27 मिलियन टन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। इसकी एक फोरकास्टिंग की गई कि 0.48 मिलियन हो सकता है ये 2030 तक। इस ग्रोइंग एट अ हेल्दी CAGR ऑफ 6.8% अंटिल 2030। तो उसका एक लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 2030 तक CAGR 6.84% के हिसाब से, जिसमें जो मेजर इंडस्ट्री होगी वो कुकवेयर इंडस्ट्री होगी, हैज सेट एन एग्जांपल टू बूस्ट द मार्केट डिमांड। इट ऑल स्टार्टेड विद द डिमांड ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर एंड द मार्केट कीप्स ऑन डेवलपिंग। द यूज़ ऑफ PTFE as a non-stick coating in pans and cookware tends to stretch the demands for PTFE. With that, the increasing demand for chemical inert material with superior physical and chemical property is one of the major drivers for fluoro polymer demand in India. तो यहाँ पे आप जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लोरो पॉलीमर काफ़ी जगह यूज़ होता है कुकवेयर इंडस्ट्री में, जैसे जो एक फ्राइंग पैन होता है उसमें भी एक कोटिंग होती है एक प्रकार की, जिससे आग लगने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो फ्लोरो पॉलीमर्स काफ़ी जगह यूज़ होता है जिसमें कुकवेयर इंडस्ट्री का एक मेजर रोल अदा करती है ये कंपनी। अब अगर हम बात करें कि जो कोटिंग होती है फ्लोरो पॉलीमर्स होता है वो दिखता कैसा है या उसका एक कोटिंग होती कैसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ फिनिशिंग और कुछ कोटिंग टाइप की गई, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते जल्दी और लॉन्ग टर्म चलते हैं, लॉन्ग लाइफ चलते हैं। और भी एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जैसे कि कुकवेयर इंडस्ट्री के बारे में बताया, ये है फ्राइंग पैन जिसमें आग लगने की संभावना नहीं होती और कोई भी चीज़ चलती नहीं है और कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। यहाँ पर आप टेफ्लॉन रॉड देख सकते हैं, इसमें भी एक तरीके की कोटिंग होती है। यहाँ पे फ्लोरो पॉलीमर टेप देख सकते हैं आप, ये एक तरीके का अनोखा टेप होता है। इसमें और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ये एक एग्जांपल आपके सामने और है, ये है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसमें कार्स वगैरह जब बनती हैं तो उसमें कुछ कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से कार में सडनली जो आग लगने की और सडन ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम होती है इससे
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फ्लोरो पॉलीमर से, और फ्लोरो पॉलीमर्स काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते हैं। सीधे चलते हैं हम सीधे गुजरात फ्लोरो केमिकल स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे आप, मैं ले आया हूँ वॉलेट इन्वेस्टर साइट के ऊपर आपको। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसकी क्लोजिंग हुई है 3,102 रुपए के आसपास। तो वॉलेट इन्वेस्टर के हिसाब से अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपको 4649 तक के टारगेट से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अपसाइड काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। हालाँकि स्टॉक फ्राइडे सेशन में 4.5% के आसपास गिरावट दिखाई दी थी, लेकिन वॉलेट इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं गुजरात फ्लोरो केमिकल्स में, तो ये एक आउटस्टैंडिंग 1 ईयर इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये मैं ले आया हूँ आपको टिकर टेप साइट पे। तो यहाँ पे 7 एनालिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं गुजरात फ्लोरो केमिकल स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। हालांकि टिकर टेप के हिसाब से करंट प्राइस जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रही है, तो ये भी चीज़ हम मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात फ्लोरो केमिकल्स का अगर हम 2023 का अगर फोरकास्टिंग चेक करें, तो यहाँ पे उसकी करंट वैल्यू दिखाई दे रही 3,101 रुपए। यहाँ पे लो जो है सबसे पहला टारगेट दिखाई दे रहा 4,045 के आसपास, फिर सेकेंड टारगेट 4,438 और थर्ड टारगेट 5031 का जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गुजरात फ्लोरो केमिकल स्टॉक के ऊपर अगर हम इसके इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो 2020 से लेकर 2022 का यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप। यहाँ टोटल इनकम जो पहले थी 2,822 रुपए के आसपास, यहाँ पे 4,000 के आसपास पहुँच गई। ईबिटा जो 629 था वो 1,329 पहुँच गया, ऑलमोस्ट डबल। पीबीआईटी में भी आप देख सकते हैं 436 से सीधे 1,123, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 332 से सीधे डायरेक्ट 1,000 के आसपास। तो यहाँ पे ईपीएस में भी आप देख सकते हैं जो ईपीएस कभी माइनस में चलता था 2021 में, यहाँ पे 71 दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट आप इनकम स्टेटमेंट तो काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, और इसमें इनकम स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात फ्लोरो केमिकल्स के जो पीएस हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज़, नवीन फ्लोरीन और विनाटी ऑर्गेनिक्स। काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं रिनाउंड कंपनी हैं, अपने अपने फील्ड में काफ़ी रिनाउंड हैं, लेकिन गुजरात फ्लोरो केमिकल्स फ्लोरो पॉलीमर्स में दिग्गज कंपनी है और एक लौती कंपनी है। यहाँ पे उसके अगर कंपैरिजन की जाए, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि हर कंपनी अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन ये इनके पीएस में आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल बैलेंस्ड है। यहाँ पे 66% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 3.86 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास ऑलमोस्ट 5% का है, और रिटेल निवेशकों के पास 25% का माल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बैलेंस है, यहाँ पे कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। गुजरात फ्लोरो केमिकल्स में अगर हम चार्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल सपोर्ट जोन है जिस पे आके स्टॉक रुका है। ये 1 वीक का चार्ट पुटअप है यहाँ पे फिलहाल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट जोन पे आके खड़ा है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था ये। जब स्टॉक नीचे से आ रहा था और रेजिस्टेंस ले रहा था, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे फाइनली इसने रेजिस्टेंस अपना तोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक अपसाइड बनाया, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बन सकता है। तो मुझे लगता है कम से कम ये स्टॉक करंट लेवल से 3680 तक का एक लेवल बना सकता है इन दी शॉर्ट टाइम पीरियड। मेरा जो उसमें टारगेट बनता है 6 मंथ्स और 7 मंथ्स का, तो यहाँ पे 3680 तक का इसमें टारगेट देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, अभी फ़िलहाल स्टॉक ने जो 3,101 रुपए पे क्लोजिंग मिली है, अगर इस स्टॉक में और थोड़ी सी गिरावट आती है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 3037 के नीचे, तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से फिर ये स्टॉक काफ़ी नीचे तक इसमें गिरावट दिखाई दे सकती है, ऑलमोस्ट 2800 रुपए तक। तो इस स्टॉक में देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर ये स्टॉक अपने 3,000 को लेवल को तोड़ देता है, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2800 रुपए तक आ सकता है। यहाँ पे स्टॉक में अगर यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद तब की जा सकती है, जब इस स्टॉक में थोड़ी सी हमें एक मोमेंटम जारी होते हुए दिखाई देगी, तब यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी एंट्री अगर आपको फ्रेश बनानी है, तो मेरे हिसाब से 3312 रुपए का एक सही लेवल है, 3312 रुपए का एक सही लेवल है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और 3680 का इसमें आपको शॉर्ट टाइम का एक टारगेट देखने मिल सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में अभी एक बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है, 1 वीक के चार्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है, और अगर 1 डे के चार्ट में देखेंगे, तो ये स्टॉक फ़िलहाल अपने 200 मूविंग एवरेज को
तोड़ चुका है, तो हो सकता है ये स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट आए। हालांकि स्टॉक काफ़ी बेटर है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रखते हैं इस स्टॉक में तो काफ़ी बेटर है। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।